नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 21 चैनल पर, जहां हर खबर है फटाफट और मजेदार। अगर आप चाहते हैं कि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यहां आपको मिलेगी ताजा खबरें और धमाकेदार इंटरव्यूज और ढेर सारा मनोरंजन। तो देर किस बात की है, न्यूज 21 के साथ जुड़े और बने रहें सबसे आगे। आगामी गंगा दशहरा को देखते हुए नपा अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी ने स्थानीय सभासद एवं नागरिकों पालिका के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ नगर के बाबा घाट पर सफाई अभियान चलाया। घाटों पर जमी हुई सिल्ट, किनारे पर जमे हुए कूड़े को फर्श से आदि की मदद से हटाया गया। नपा अध्यक्ष और उनकी टीम को सफाई करता देख स्नान करने आए लोगों ने आगे बढ़कर सफाई अभियान में भाग लिया। उन लोगों द्वारा भी गंगा नदी से प्लास्टिक कचरे आदि को निकाल कर सफाई कर्मचारियों को दिया गया। इस मौके पर नपा अध्यक्ष ने कहा कि गंगा दशहरा के मद्देनजर नगर के सभी घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। सभासदों, सफाई नायकों के सहयोग से घाटों पर सफाई की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए हम सभी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस मौके पर वार्ड के सभासद दुर्गा प्रसाद यादव, अनिल केसरवानी, प्रीतम केसरवानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस समय हम देख रहे हैं कि मिर्जापुर जनपद में स्वच्छता अभियान नगर पालिका परिषद की तरफ से चलाया जा रहा है। आज हम यहाँ पे बाबा घाट पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ मिर्जापुर नगर पालिका के नपाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी अपनी टीम के साथ सफाई अभियान में इस घाट पे आए हुए हैं और गंगा दशहरा पर्व को लेकर घाटों की सफाई कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया है कि कई घाटों पे इनकी सफाई अभियान चलती रही है और समय समय पे ये ऐसे कार्यक्रम पूरे शहर के लिए करते जा रहे हैं। इसके साथ आइए हम उनसे बात करते हैं, ये जो उनकी पहल है, उनकी सोच है गंगा को साफ करने, गंगा के घाटों को साफ करने की, क्या कहना उनका? आप जानते हैं गंगा तो दशनाथ, ये हमारे धारणा है, हमारे सनातन संस्कृति का हिस्सा है। गंगा को हम लोग पवित्र मानते हैं और मेरा निवेदन है नगर के सभी सम्राट नागरिकों से, सभी गंगा स्नान करने वाले अपने भाई बंधुओं से, बहनों से, क्योंकि वो लोग गंगा जी में माला फूल पन्नी में डालकर फेंकते हैं, कृपया पन्नी का प्रयोग, प्लास्टिक का प्रयोग गंगा नदी में न करें, कूड़ा करकट यहाँ न गिराएं। और पूरी जनता से अपील है कि जहाँ यहाँ घाट पर जो लोग घाट पर हमारे रहने वाले हमारे नागरिक हैं, वो भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझते हुए इन सब चीज़ों को एक जागरूक नागरिक के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। आज हम सब लोग नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष में आते हैं, हमारे यहाँ माननीय सभासद बाबा यादव जी हैं, हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी और केसरवानी समाज के लोग भी यहाँ पर स्वच्छता अभियान कर रहे हैं। यहाँ हैंडप्रिंट का पन्नी जहाँ जहाँ था हम लोगों ने चुनने का काम किया है और एक दिन कल तक ये अभियान रहेगा। दो दिन का अभियान हमने सभी लोगों से निवेदन किया, अपने माननीय सभासद से, अंतरास जनार्दन से, कि अपने अपने घाटों पर समाज के सहयोग से हमारे नगर पालिका के कर्मचारीगण लगकर गंगा घाटों के जो प्रमुख घाट है कम से कम वो एकदम स्वच्छ और साफ रहे। पालिका स्थानीय जनता का कहना कि ऐसे कार्यक्रम केवल पर्वों पर लेकर होता है, क्या इसके पहले कभी ऐसा होता नहीं? इसके पहले भी होता रहे, पर्वों के अलावा भी बीच बीच में हम लोगों ने किया है। जब मैं चेयरमैन नहीं था तब भी मैंने किया था। विंध्य गंगे सेवा समिति के माध्यम से मेरा प्रयास भी था कि गंगा नदी में कोई नाले नहीं गिरे और इस प्रकार से गंगा माँ को स्वच्छ रखने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। नगर पालिका परिषद की तरफ से कोई कर्मचारी ऐसा आपने नियुक्त किया कि एक हफ्ते या 15 दिन के बाद अगर वो विजिट करे, आपको सूचना दे कि मतलब सफाई करने हैं तो इसी व्यवस्था करनी चाहिए? हाँ, नगर पालिका से कर्मचारी सीएसआई नियुक्त हैं, जब हमारे सफाई नायक हैं, सफाई नायकों की जिम्मेदारी है, उनके एरिया में यहाँ घाट पड़ता है, इस प्रकार से घाट पर गंदगी न होने में साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित। इस तरीके से आपने देखा कि नपा अध्यक्ष ने बताया कि उनका भरसक प्रयास